नमस्कार, मैं अर्जुन देवासी और आज मैं राजस्थान के उन नेताओं और उन समाज के ठेकेदारों से कुछ सवाल करना चाहता हूं जो यूपी मामले में इतनी तेजी दिखा रहे हैं। मैं यहां पे आपको कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यूपी मामले में दखल अंदाजी ना करें, उनसे सवाल ना पूछें। आप सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं और आपको सवाल पूछने का हक है कि ऐसा क्या मजबूरी थी कि रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन राजस्थान का क्या, जहां प्रतिदिन 4 से 5 रेप केस दर्ज हो रहे हैं। मैं ज़्यादा पुराना डेटा आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं पिछले 10-12 दिन का डेटा बता रहा हूं, जहां राजस्थान में पिछले 10-12 दिन में 17 से 18 रेप केस दर्ज हुए हैं। लेकिन आज तक किसी नेता ने ना तो राजस्थान के सीएम से इस्तीफा मांगा और ना ही किसी ने रैली की और ना ही कोई पीड़िता से मिलने गया। क्या कारण हो सकता है कि आप राजस्थान में इस तरह की रैलियां नहीं करते, दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश नहीं करते या फिर राजस्थान के सीएम से इस्तीफा नहीं मांगते? क्या कारण है? क्या आपका हिंदू मुस्लिम या दलित सवर्ण का कार्ड राजस्थान में नहीं चलता? फिर क्या कारण है कि आप राजस्थान में जो रेप केस हो रहे हैं उनके बारे में ना ही तो आप सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं और ना ही उन पीड़ितों से कभी मिलने पहुँचे और ना ही इस तरह का बड़ा आंदोलन किया कि आपको पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए? अभी पिछले 5-6 दिनों में सिर्फ जयपुर राजस्थान की राजधानी में 5 से 6 रेप केस दर्ज हुए हैं और टोटल पूरे राजस्थान की बात की जाए तो पूरे राजस्थान में पिछले 9-10 दिनों में 17 से 18 रेप केस दर्ज हुए। लेकिन फिर भी यहां पर किसी नेता ने आकर के ना ही तो सीएम से इस्तीफा मांगा और ना ही किसी ने कोई बड़ा आंदोलन किया। क्या कोई नेता इस बात का जवाब दे सकता है कि प्रियंका और राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी थी जो राजस्थान में आकर के उन पीड़ितों के लिए न्याय नहीं मांगा और कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया? क्या मजबूरी हो सकती है? क्या कोई नेता इस बात का जवाब दे सकता है? और राजस्थान के उन नेताओं से भी मैं सवाल करना चाहता हूँ जो यूपी मामले में इतनी तेजी दिखा रहे, लेकिन आपके अपने राज्य का क्या हुआ? क्या आपके यहाँ रेप केस नहीं हो रहे? आपके दिन में 5-6 रेप केस दर्ज हो रहे लेकिन फिर भी आपको दूसरों का दिखता है। यहाँ तो आपकी पास की नज़र कमज़ोर है या फिर आपको दूर का बहुत कुछ ज़्यादा ही दिखता है। और अब आप ही कमेंट में बताएं कि रेप जैसे घिनौने अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर हम जैसे लोग जो सिर्फ दलित स्वर्ण जैसी सोच रखते हैं? कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा।